हाँ जी, टुडे वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 11.4 फ्रॉम योर बुक, एक्सरसाइज 11.4, ओके, फ्रॉम योर बुक. एंड काव्या इज सेइंग कि मैम 10th क्वेश्चन करवा दीजिए. आई एम डूइंग दैट क्वेश्चन. व्हाट दे हैव रिटन हियर बेटा, फोकाई, दैट इज फोकस, दैट इज गिवन टू यू, प्लस माइनस जो है 5.0, and the transverse axis of is of length 8. Transverse means major axis. Okay, clear? तो मेरे पास जो है यहाँ पर major axis की बात जो normally करता है वो transverse axis के through ही करता है. Okay, तो जो दूसरी axis होगी ना उसे हम कहते हैं conjugate, minor जो हम normally use करते हैं, तो वो यहाँ पर किसकी बात करेगा, कॉन्जुगेट एक्सिस की, हाइपरबोला. ठीक है, तो अब बेटा मेरे पास जो है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो है उसकी लेंथ दी हुई है 8. ठीक है, तो अब मुझे देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है. फोकस के कोऑर्डिनेट होते थे प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो. ठीक है जी, एंड लेंथ ऑफ जो है मेरे पास ट्रांसवर्स एक्सिस का जो फॉर्मूला होता था वो होता था 2a. तो यहां से क्लियर कट a की वैल्यू 4 आ गई बेटा. ओके, अब मैं यहां से कंपेयर करूं, a e इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू पुट की तो e की वैल्यू देखो 5/4 ग्रेटर देन 1 ही है. मुझे पता चल गया कि 100% हाइपरबोला ही है. अब मुझे क्या निकालना है, b है ना, तो e मेरे पास जो है क्या फॉर्मूला, मैंने आपको असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताया था कि अगर एक नॉर्मल हाइपरबोला होता है जिसको हम जिसमें मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, तो ई असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर. तो स्केयरिंग करूंगी तो ई स्केयर, मैं ई की वैल्यू भी पुट कर दू, ई स्केयर ये आ गया और ए की वैल्यू 4 स्केयर, बी स्केयर यहां से कैलकुलेट हो जाएगा मेरे पास 4 स्केयर. तो यहां पर 25 4 स्केयर और 4 स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 16 प्लस बी स्केयर, और बी स्केयर की वैल्यू मेरे पास 9 और बी की वैल्यू 3 आ गई. अब बेटा जो है इक्वेशन लिख सकते हो ना, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर हमने किया था ना, तो लेट अस राइट x square over a square 16 minus y square over b square equals to 1. Okay, clear beta? सबको बात समझ आ गई? Any other problem? Yes Kavya, और कौन सा beta? मैम 11th था वो भी सेम ही है, वो I will try. ठीक है, okay. Now next problem. अर्शदीप ने हैंड रेज किया था. Yes अर्शदीप. मैम क्वेश्चन नंबर 15. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम दो. ओके, अब बेटा उन्होंने इसमें क्या दिया हुआ है, इन क्वेश्चन नंबर 15 दे जस्ट मेंशन फोकस है ना, और मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में 0, प्लस माइनस रूट 10 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2.3 है ना, यही दिया ना. आपको पता है फोकस के कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस बी ई होते, हमने टेबल में किया था ना, आप चेक कर लीजिए, प्लस माइनस बी ई होते. ठीक है, तो यहां से मुझे सिर्फ बी ई की वैल्यू रूट 10 पता चली. अब मैं पता क्या करूं, मेरे पास ई की वैल्यू स्केयरिंग कर दो पहले, बी स्केयर ई स्केयर ये 10 हो गया. अब ई की वैल्यू भी पुट कर दो क्योंकि ए ई ए और बी मुझे ये दोनों वैल्यूज चाहिए होती हैं, मुझे ई का कोई लेना देना नहीं. तो मैं क्या करूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर ई की वैल्यू पुट कर सकती हूँ. मेरे पास जो है ई स्केयर की वैल्यू मेरे पास क्या होती है बेटा, बी स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर. तो मैं यहाँ पर पुट करूं जो है बी स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर, ये 10 हो गया, ये और ये कट गया, मेरे पास एक रिलेशन आ गया, बी स्केयर प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू 10. ओके अर्शदीप, अब उसने
मुझे ये पता चल गया कि ये मेरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में मेरे पास इक्वेशन क्या होती है, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन होती है ना। अब ये हाइपरबोला किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2, 3, तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, दैट इज गिवन टू मी। तो जब मैं पुट करूंगी तो मेरे पास माइनस 4 बाय ए स्क्वायर प्लस और 9 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब आप यहां से चाहे तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो या बी स्क्वायर की, किसी एक की यहां वैल्यू पुट कर दो और टेक द एलसीएम, सारा कुछ एक ही वेरिएबल में चेंज हो गया ना, तो वहां से यू विल गेट योर आंसर। ओके बेटा, ए आ गया तो बी अपने आप आ जाएगा। अर्शदीप क्लियर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट रेज योर हैंड बेटा। मेरे को दिव्यांशी ने कोई एग्जांपल बोला था। यस दिव्यांशी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम एग्जांपल 15। ओके, एग्जांपल 15 मेरे को बोला गया था। हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन बेटा ऑफ द हाइपरबोला विद फोकस जो है दैट इज रिटन हियर 0, ±3। तो दैट मींस 100% बेटा यहाँ पर 0, ±3 दिया हुआ है, एंड वर्टिसेस 0, ±√11/2। ठीक है दी। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंगली करो, एग्जांपल में मत देखो उन्होंने कैसे किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मेथड हमने सीखा है उसी के अकॉर्डिंगली करो। क्लियर कट है ये फोकस 0, 0 कैसा होगा, प्लस माइनस बी ई, तो यहां से कंपेयर करो बी ई की वैल्यू 3 और यहां पर मेरे को ये दिया हुआ है वर्टेक्स, और वर्टेक्स क्या होते हैं हमारे पास 0, ±b, तो दैट मींस बी की वैल्यू क्लियर कट 11/2 हो गई। तो यहां बी पुट करो √11/2 ई 3, तो दैट मींस ई की वैल्यू 6/√11। कोई बात नहीं, रहने दो, है ना। अब ई आ गया मेरे पास, ई है बी है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाओ, हमने किया है ना, स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग करिए तो ये 36 और ये स्केयर हो गया। मुझे पता है वो बी स्केयर प्लस ए स्केयर बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 36/11। बी की वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट ए, ए पता है बी पता है, इक्वेशन लिखिए 100% ट्रांसवर्स जो है, यानी कॉन्जुगेट वाला, सेकंड वाला जो है कॉन्जुगेट वाला ये हाइपरबोला है जिसमें माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके बेटा दिव्यांशी क्लियर? ओके चलिए रिद्धि, यस बेटा। मैम मेरा 12th क्वेश्चन था। ओके, 12th क्वेश्चन, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 12th बेटा। दैट इज फोकस दिया हुआ है ना, तो 100% बी ए ई की, क्योंकि उसने जो फोकस दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 11th में, वो हमारे पास कैसा दिया हुआ है, लेट अस राइट द वैल्यू ऑन द ब्लैक बोर्ड सो दैट यू कैन कम टू नो। मेरे पास जो है 12th क्वेश्चन मुझे बोला गया है और फोकस जो है दे राइट हियर +-3√5,0। ठीक है ना, तो 100% ये प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, ए ई की वैल्यू 3√5। ओके, नाउ व्हाट इज रिटन एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। बेटा मुझे पता है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 2b² / a, दैट इज गिवन टू मी जो है 8। ओके, फिर ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आप e की वैल्यू यहां पुट कर दो पहले, है ना, e की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर कर ले a स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज 3√5 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब यहां से किसी एक की वैल्यू आप b स्क्वायर की निकालो, b स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे ये कट गया 4, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, यहां पुट करो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, दो आंसर्स आएंगे, कोई बात नहीं। ओके, ए की वैल्यू नेगेटिव रिजेक्ट नहीं हो सकती, एक सेकंड बेटा।
हाँ जी मैं बता रही थी कि देखो जब आप ये पुट करोगे ये क्वाड्रेटिक इन ए आएगा तो अभी से देख ए के टू आंसर्स आएंगे। ए नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैं ए नेगेटिव लेती हूँ तो बी स्क्वायर का आंसर नेगेटिव, वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर लेना है, पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट कर लेना। आपके पास ए आ गया तो बी भी आ जाएगा एंड यू विल राइट द इक्वेशन। क्लियर बेटा? रिद्धि, रिद्धि इज इट क्लियर टू यू? ओके ठीक है जी, दिस कंप्लीट्स आई थिंक। किसी और की प्रॉब्लम रहती है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी, जिन्होंने किया है वही सिर्फ पूछेंगे, बाकी तो सिर्फ सुनेंगे, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक बेटा, शिफ्टिंग द ओरिजिन वाले जो है। अभी तक अगर आप देखो ना, मैंने जितने क्वेश्चंस आपको करवाए उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म थी, है ना, तो मुझे पता था कि उसका वर्टेक्स ऐसे होता है, उसका जो है ओरिजिन ये है या सेंटर ये है, डिपेंडिंग अपॉन किसकी बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो सारा हो जाता है। ठीक है, तो अब बेटा हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो इक्वेशन है ना वो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, मतलब उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं हो सकता, उसका जो है एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस सिमेट्री नहीं हो सकती अगर मैं पैराबोला की बात करूं, तो हमें कैसे पता चलेगा, लेट अस सी। अब मैं पहला क्वेश्चन लिखने लगी हूँ, क्वेश्चन ये है फाइंड द हेडिंग, आप दे सकते हो शिफ्टिंग द ओरिजिन क्वेश्चंस। ओके, फाइंड द वर्टेक्स, फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस, फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस फोकस डायरेक्ट्रिक्स लेटस रेक्टम ऑफ द कॉनिक्स बाय ऑल्सो आइडेंटिफाई द कॉनिक्स, ऑल्सो आइडेंटिफाई द कॉनिक्स, मतलब हमें कॉनिक को आइडेंटिफाई भी करना है, वो हाइपरबोला है, पैराबोला है, एलिप्स है, क्या है। ओके बेटा, उसके लिए पहले तो हमें जो इक्वेशन दी है, वाई स्क्वायर मेरे पास माइनस एट वाई माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल टू जीरो, इसको तो देख के ही मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे? अगर स्क्वायर वाली यानी पावर टू वाली सिर्फ एक ही वेरिएबल है, मतलब या एक्स है या वाई वाला है, तो वो पैराबोला ही होता है, ना वो इलिप्स हो सकता है ना हाइपरबोला हो सकता है। ओके, पहली बात बता रही हूं, अगर मेरे पास जो है या तो एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटी है या वाई स्क्वायर वाली क्वांटिटी, तो बेटा एक ही मेरे पास जो है वेरिएबल स्क्वायर वाला है तो वो पैराबोला ही होगा। बट हमने ये भी बताना होता है कि ये कैसा पैराबोला है, राइट हैंडेड है, लेफ्ट है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, प्रॉपरली बताना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना जा। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो स्क्वायर वाली क्वांटिटी है ना वाई है, तो वाई वाली कोई और टर्म भी है तो इसको एक साइड पे, बाकी सबको दूसरी साइड पे ले जाना, पहला स्टेप है। आपने स्क्वायर वाली क्वांटिटी जो भी है मेरे पास y स्क्वायर वाली क्वांटिटी है उसको एक साइड पे, और उसके साथ उसका लीनियर वाले भी टर्म एक साइड पे, बाकी सबको दूसरी स्टेप साइड पे ले जाना, ये पहला स्टेप है। अब आपने 10th में कंप्लीट स्केयरिंग मेथड लर्न किया था, ओके, अब आपने कंप्लीट स्केयरिंग मेथड लर्न करना है, क्या करना है, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y, हाफ द कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वायर, इसका हाफ किया 4 का स्क्वायर 16, इधर भी ऐड कर देना है, इधर भी ऐड कर देना, दोनों तरफ ऐड किया कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मेरे पास बन गया वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर।
इधर मेरे पास बन गया x माइनस थ्री। यहां तक सबको समझ आ गई मेरी बात? ये हमने टेंथ तक का मेथड किया। थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू। इफ इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी प्लीज लिसन इट केयरफुली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आशुदीप, गुरसीरत, हर्षवर्धन, जपन ज्योत, जतिन, काव्या, सबको क्लियर है? ठीक है जी, गुड। ठीक है, अब ध्यान से कंपेयर। यस अर्षदीप, यस अर्षदीप बेटा, यस मैम, वहां पे y माइनस फोर आएगा। हाँ बिल्कुल, y माइनस फोर आएगा, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि माइनस टू ए भी था। बिल्कुल अर्षदीप, करेक्ट बोला आपने। ठीक है जी, अब बेटा मेरा एम था कि मैं आपको कंप्लीट स्टीयरिंग बताऊं, मैंने वो बता दिया। अब सेकंड स्टेप, ये मेरा पहला स्टेप। ओके, अब सेकंड स्टेप में पता क्या होता है? अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स या इधर वाई जो भी है वो वन नहीं है ना, तो उसको वन बनाओ बाय टेकिंग कॉमन। यहां तो कुछ भी वन नहीं है, तो कॉमन में लूंगी तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो वाई माइनस फोर स्क्वायर इधर वन और x माइनस थ्री, ऐसे ही रहेगा। अगर कुछ कॉमन है, मान लो अगर यहां माइनस होता तो मैं माइनस वन कॉमन ले लेती, माइनस टू होता तो आई विल टेक माइनस टू कॉमन, ताकि कोफिशिएंट ऑफ x वन बना। ओके, अब थर्ड स्टेप, आप क्या करोगे? इस पूरे की जगह पे कैपिटल y मान लो, इस पूरे की जगह पे You treat it as capital X, यानी आपने put कर देना है, put capital Y as Y minus 4 and put capital X as X minus 3. अब इसको देख के आप मुझे ये बता सकते हो ये कैसा parabola? Anybody from you? अगर मैंने put कर दिया, मैंने ये पुट करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने पुट किया तो ये कैसा पैराबोला? यस दिव्यांशी, यस दिव्यांशी बेटा, काव्या का हो गया। चलो जपन से पूछ लेते हैं, जिसका भी। चलो काव्या आप बता दीजिए, बताइए काव्या, काव्या बताइए बेटा। मैम राइट हैंडेड, राइट हैंडेड पैराबोला, बिल्कुल। कैसे पता चला काव्या ये राइट हैंडेड है? इक्वेशन होती है y square plus y square equals to 4ax, तो ये पॉजिटिव में है तो बिल्कुल x लीनियर है, मूव पॉजिटिव, जो उसका फेस है वो x एक्सिस की तरफ ओपन है, तो ये 100% राइट हैंडेड पैराबोला है। मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ y square is equal to 4ax के साथ। देखो यहाँ स्मॉल एक्स वाई था, मैंने कैपिटल में चेंज कर दिया। व्हाट डज इट मींस? मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, जो मैंने बात भी आपको समझाई थी। कैसे ओरिजिन को शिफ्ट किया देखिए जरा, लेट अस सी। बेसिकली मैंने यहां पर क्या किया बेटा, जो मैंने वाई को वाई माइनस फोर, मैंने आपको वो बताया था ना कि माइनस एच माइनस के, कि मैंने अपने घर से मैंने कोई डिस्टेंस देखा, मैंने स्कूल का डिस्टेंस देखना है, बट रास्ते में मैं कहीं पे कोई बेकरी में रुकती हूँ, तो मैंने ओरिजिन को अपना क्या माना था? बेकरी माना था। मैं वहां से डिस्टेंस स्कूल का देख रही थी। या आप अपने घर से ट्यूशन सेंटर का देखते हो, फिर ट्यूशन सेंटर से घर आते हो, तो आप ओरिजिन किसको मान लेते हो? ट्यूशन सेंटर से स्कूल में आने को आपको कितना टाइम लगा? बट एक्चुअली तो पीछे वाला भी होता है ना, उतना एड करते हैं। तो अगर मैं स्मॉल वाई की वैल्यू निकालूं, वो अपने आप y प्लस फोर, और स्मॉल x की निकालू तो अपने आप x प्लस थ्री हो जाती है। ठीक है जी, ये तो इतना काम मैंने शिफ्ट कर दिया। ये न्यू ओरिजिन के अकॉर्डिंगली है, मतलब अगर ये पैराबोला यहां पर 3,4 पे है राइट हैंडेड, बट ओरिजिन ये है, बट मैंने कितना मूव कर दिया 3 और इधर से 4 मूव करके, अब जो मेरा नया है ना वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के अकॉर्डिंगली मैं सब कुछ मानूंगी। ओके, कैपिटल एक्स
एंड कैपिटल वाई के अकॉर्डिंगली मैं सारी चीजें लिखूंगी, उसको ट्रांसफर करूंगी स्मॉल एक्स वाई। जैसे हमने ट्यूशन से यहाँ डिस्टेंस देख लिया स्कूल का, है ना, वो 3 किलोमीटर था, और ट्यूशन से घर 1 किलोमीटर, ऐड करते हैं ना 4 हो गया टोटल, 3 + 1 = 4। तो वही चीजें हम यहाँ पर करें, ठीक है। करेंगे कैसे, टेबुलर फॉर्म में मैं ये रब करने लगी हूँ, ठीक है, मुझे ये सारा पता है, लेट अस रब इट, और मैं एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में बनाऊंगी ताकि आपको पता चले। देखिए जरा मैंने क्या करना है, आई मेक अ टेबल, ठीक है, मैं यहाँ पर टेबल बनाऊंगी, मैंने यहाँ पर लिखना है क्वांटिटी, आई विल राइट वेट, ठीक है, क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड, या वैल्यूज जो भी मैंने, जिसकी भी फोकस है तो फोकस, अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस जो कैपिटल एक्स और वाई, पर मुझे किसके अकॉर्डिंगली निकालना है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेरे पास जो है एक्सिस बेटा। अल्टीमेट आंसर मेरा ये होगा, ठीक है जी। अब देखो कैसे, मेरे पास इक्वेशन थी y square is equal to x। सबसे पहले मुझे ये तो पता चल गया कि ये राइट हैंडेड पैराबोला, आपने लिखना है क्लियर कट, इट इज राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। अब अगर राइट हैंडेड पैराबोला है, सबसे पहले मुझे a की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन ऑफ a, आपको पता है 4a इज इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू 1/4, ए निकल गया ना मेरे पास 1/4, कोई टेंशन नहीं, ठीक है बेटा, ए ने ए ही रहना है, वो जहां मर्जी ओरिजिन चल। अब मैं यहां पर आपको वैल्यूज कैलकुलेट करके बताने लगी हूं। जैसे देखिए मेरे पास जो है, सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट करना है, मुझे दिया हुआ था वर्टेक्स। आप मुझे बता सकते हो अगर राइट हैंडेड पैराबोला है तो वर्टेक्स क्या होता है? मैं सबका माइक की ऑप्शन दे देती हूँ, मैं जिसका नेम लूंगी, क्योंकि डिस्कशन के साथ ही आपको क्लियर होगा ये ज्यादा, ओके। हाँ जी, अभी बताइए मुझे, अनम्यूट कीजिए अपने आप को बेटा, और मुझे बताइए कि वर्टेक्स क्या होता है एक राइट हैंडेड पैराबोला के, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वर्टेक्स के? अभी ओके, अदिति, अदिति बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स इन राइट हैंडेड पैराबोला बेटा? नहीं पता, देखो मैंने करवाए हुए हैं बेटा, ओके। एनी अदर स्टूडेंट जिसको पता हो, असीस, अर्शदीप, दिव्यांशी, हां जी, काव्य, 0.0। यस बिल्कुल, जपन ने सही बताया, 0.0। मैंने वर्टेक्स लिखा, मैंने यहां लिख देना 0.0। अब जरा ध्यान से देखना, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है, ये कैपिटल वाई की वैल्यू है, क्योंकि ये है अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस जो मैंने ऊपर शिफ्ट किए थे, मुझे तो पुराने के अकॉर्डिंगली बताने। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है? स्मॉल एक्स माइनस 3 है ना कैपिटल एक्स की वैल्यू, तो यानी मैं इसमें अब ओल्ड के अकॉर्डिंगली मैंने यहां पर जो है इसकी क्या कहते हैं कैपिटल एक्स की जगह माइनस एक्स माइनस 3 और वाई माइनस 4 की जगह 0, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 3 और वाई की वैल्यू मेरे पास 4 आई, तो दैट मींस अपने आप मेरा वर्टेक्स 3.4 बन गया। बात समझ आई सबको? क्लियर क्यों मैंने ये ओल्ड एक्सिस लिखा? समझ आ गया ना सबको? चलो एक और, अब अगला करते हैं, ये मैंने निकाले वर्टेक्स, है ना। अब नेक्स्ट मुझे कहा गया था एक्सिस, मैंने एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। अगर ये जो है राइट हैंडेड पैराबोला है, तो मुझे पता है कि जो एक्सिस होता है ना एक्सिस, वो वाई इज इक्वल्स टू 0 होता है, एक्स एक्सिस होता है ना। अब वाई कैपिटल वाई क्या वैल्यू है? वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 4, बस बात खत्म। समझ आई मेरी बात सबको? ये
ये क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि ये वैल्यू थी ए की, ए के कोऑर्डिनेट्स, लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, वैल्यू ऑफ ए कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन। ओके, मैं कहूंगी ना लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, अब आप देखो खुद सोचो, चाहे ये मेरा एक्स एक्सिस, मेरा पैराबोला इधर हो जाए या मेरा पैराबोला इधर हो जाए, ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो बेटा सेम ही रहनी है ना, जहां मर्जी तुम शिफ्ट कर लो, मेरी लेंथ है, मेरी हाइट है, तुम यहाँ पर क्लास में देख लो ओरिजिन ब्लैक बोर्ड को मान के, या कहीं और से कर लो, मेरी हाइट तो उतनी रहनी है ना, हाइट इज कंसिडर एज लेंथ, तो सेम इज हियर। ओके, समझ आ गई? तो लेटेस्ट रेक्टम वगैरह कभी चेंज नहीं होता। अच्छा, अगले उसने कोऑर्डिनेट्स मेरे को कहा था कि फोकस निकालो, अब देखते हैं फोकस, लेट अस डू हियर फोकस। अब फोकस के कोऑर्डिनेट देखो, ऐसे टेबल बना के करोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। अब मैंने फोकस के कोऑर्डिनेट, वैसे राइट हैंडेड पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? असी ए कॉमा जीरो। ओके, चलो दिव्यांशी ने बताया ए कॉमा जीरो, और ए की वैल्यू 1/4, 0 होगी ना, ए की वैल्यू 1/4 निकाली थी। अब ये कैपिटल एक्स 1/4 है, कैपिटल वाई 0 है, कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1/4, तो एक्स की वैल्यू मैं करूंगी तो बेटा ये 12 + 1 = 13/2, और कैपिटल वाई, वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 4। अब 13/4, 4, ये मेरे वैल्यूज हो गई। समझ आई बेटा सबको? क्लियर? 13/4 कॉमा जो है चेक कर लेना बेटा, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? अब डायरेक्ट्रिक्स है ना, अगर नेक्स्ट करेंगे हम डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स जो है मेरे पास जो है, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा, यस मैम, जो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स है अपने ओल्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना, एक बार दोबारा बता दो। कुछ भी नहीं बेटा, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है दिव्यांशी, तो ये कैपिटल एक्स था ना, कैपिटल एक्स की वैल्यू 1/4 थी, कैपिटल एक्स की जगह पे मैंने एक्स माइनस 3 लिख दिया, कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1/4, ये उधर गया प्लस हो गया, 4 एलसीएम लो तो 13/4 ही आएगा बेटा। ओके दिव्यांशी, ठीक है, क्लियर? कैलकुलेशंस की मैंने थोड़ी फास्ट कैलकुलेशंस की। चलिए डायरेक्ट्रिक्स, अब आपको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू, देखो एक चीज बस याद रखना, जब तुम यहाँ न्यू एक्सिस में लिख रहे हो तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आना चाहिए, लेकिन ओल्ड में वो अपने आप स्मॉल में चेंज हो जाता है। ओके, तो अब मेरे पास कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/4, जैसे ही मैं यहाँ गई मैंने कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस 3 माइनस 1/4, तो एक्स की वैल्यू माइनस 1/4 प्लस 3 तो 11/4, ये मेरी इक्वेशन बन गई डायरेक्ट्रिक्स की। ओके, ऐसे आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन कैलकुलेट। अगर वो कहता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो वो क्या होती है 4a, वो तो 1 ही रही ना, उसमें कोई चेंज नहीं आना, वो न्यू के अकॉर्डिंगली भी वही रहना है, वो ओल्ड के अकॉर्डिंगली भी वही रहना। अच्छा एक चीज ऐसे लिखना बहुत जरूरी है, आप एक्स की वैल्यू ऐसे निकाल के वाई की वैल्यू निकाल के छोड़ दोगे तो हम मार्क्स काटेंगे, हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेट फॉर्म में वो टेबुलर फॉर्म में लिखो, क्लियर कट पता चले। ओके जी, ऐसे ही इलिप्स का भी है, हाइपरबोला का भी है। अब मैं आपको एक इलिप्स की इक्वेशन जो है, मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आई विल सेंड टू यू, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक को क्वेश्चन देती हूँ, मैं देख के ही पहचान जाऊंगी कि वो इलिप्स है कि पैराबोला है, हाइपरबोला और इलिप्स में कैलकुलेशन से पता चलता है, ठीक है, लेकिन इलिप्स और पैराबोला में आइडेंटिफाई हो जाती है। मेरे पास इक्वेशन है 25x² प्लस 9y² प्लस 9y² मेरे पास जो है माइनस 150x जो है, और -90y प्लस 225। अब हम शुरू से स्टार्ट करें, मैं देख के बता सकती हूँ ये सर्कल नहीं है,
सर्कल में भी ऐसी इक्वेशंस आपने की थी, ये क्यों सर्कल नहीं है बता सकते हो? Why it is not a circle? Yes, Devyanshi. मैम क्योंकि इसके coordinates one x square और y square के coordinate one नहीं है. One या same नहीं है. या same नहीं है, है ना? क्योंकि यहाँ different different same भी होते तो मैं common लेके इसको one बना देती. यहाँ different है, बिल्कुल correct बोला, तो that means ये circle नहीं है. ठीक है, अब ये parabola भी नहीं है. क्यों? Parabola में एक ही square quantity चाहिए, या एक्स वाली या वाई वाली. यहाँ तो बेटा दोनों ही, यानी सिर्फ रह गया हाइपरबोला एंड मेरे पास जो है एलिप्स. मैम ये एलिप्स होगा. बिल्कुल, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में ना यहाँ पर किसी एक के आगे नेगेटिव हो, मतलब दोनों सेम साइन ना रखें, दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो, तो ये एलिप्स होता है. अगर एक साइन चेंज कर रहा है तो वो 100% हाइपरबोला होता है. तो मैंने ये देख के बता दिया कि ये इलिप्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दोनों के साइन जो है वो सेम. ठीक है, करेंगे हम टुमारो, वी विल डू दिस क्वेश्चन टुमारो. ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर मेरा बेटा. ओके जी.